दोस्तों, वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई सारी भाषाओं में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन इनमें मुख्यतः दो ग्रंथ प्रमुख है, जिनमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम है श्री रामचरित्र मानस। इनमें महर्षि वाल्मीकि के रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम और रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें भी है जिनका विवरण श्री रामचरित्र मानस या अन्य रामायण में नहीं मिलता। इनका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। तो आइए जानते हैं रामायण से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, राम जी की एक बहन भी थी। हम सब ये जानते हैं कि रामायण में राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। पौराणिक कथा के अनुसार अंग देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपना ये दुख राजा दशरथ के सामने बयां किया, तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। नंबर 2, ऐसे मिला था रावण को 10 सिरों का वरदान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दे दी थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उसे वापस उसका सर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया और हर बार भगवान शिव ने उसका सर उसे वापस लौटा दिया। अंत में भगवान शिव ने खुश होकर रावण को 10 सिरों का वरदान दे दिया था। नंबर 3, लंका का असली राजा रावण नहीं बल्कि कुबेर था। शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की और वरदान में सोने की लंका मांग ली। रावण, जो कि कुबेर का सोतेला भाई था, उसने कुबेर से बलपूर्वक लंका छीन ली थी और उसे लंका से बाहर निकाल दिया था। तभी से लंका रावण की कहानी लगी और रावण का नाम लंकेश पड़ा। नंबर 4, बाली ने किया था भगवान श्री राम का वध। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि बाली ने भी भगवान श्री राम का वध किया था। जी हाँ, जराभील, जो कि बाली का अगला जन्म था, उसने श्री राम के बाद विष्णु के अगले अवतार यानी कि श्री कृष्ण को अपने तीर से मारा था, क्योंकि राम अवतार में राम जी ने बाली को धोखे से मारा था। इसलिए जरा ने श्री कृष्ण को तीर मार दिया था, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। नंबर 5, शूर्पणखा चाहती थी रावण की मृत्यु। लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता जी का हरण किया था। लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। जी हाँ, दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्यू था, जो कि कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युज्यू का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 6, लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे। दरअसल लक्ष्मण जी ने निंद्रा की देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, ताकि वे हर पल अपने बड़े भाई राम और माता सीता की सेवा कर सके और उनके बदले उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिल जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी वरदान के कारण उर्मिला 14 सालों तक सोती रही थी। नंबर 7, इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है बजरंग बली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता माता ने बताया कि वे श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। ये सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारणवश उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। नंबर 8, नलकुबेर ने दिया था रावण को श्राप। विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्रवधु हूँ। लेकिन रावण ने एक नहीं मानी और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 9, लक्ष्मण जी थे शेषनाग के अवतार। हम सभी ये बात तो जानते हैं कि भगवान राम श्री विष्णु के अवतार थे, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं
कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिसकी अनुमति भगवान विष्णु ने ही उन्हें दी थी। नंबर 10, गिलहरी पर ऐसे पड़ी सफेद धारियां। कथाओं के अनुसार जब सभी बंदर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक नन्ही सी गिलहरी भी अपनी पीठ पर रेत लेकर सेतु निर्माण में मदद कर रही थी। ये देखकर राम जी अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफेद धारियां बन गई। नंबर 11, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया था मृत्युदंड। ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया था, और इसका कारण ये था कि एक बार यमराज जी श्री राम से मिलने आए और राम जी से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक वचन देना होगा कि जब हम बात कर रहे हो तो ना तो कोई हमें देखे और ना ही कोई हमारी बातें सुने। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तब राम जी ने हाँ कर दी। लेकिन जब राम जी और यमराज बात कर रहे थे तो लक्ष्मण जी वहाँ पर आ गए और राम जी को वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको रामायण के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंच सके।